ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। वंचित आरोपियों की तलाश और अवैध गतिविधियों के खिलाफ उल्लासनगर पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया है। इसमें ACP टेले, उल्लासनगर डिवीज़न के पी जावले और चार अन्य अधिकारियों के साथ साथ 28 पुलिसकर्मी शामिल थे। दिल्ली के महरौली में एक ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक उपेंद्र शुक्ला ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी है और रात भर शव के पास बैठा रहा। पुलिस ने उपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि उपेंद्र की किस बात पर डिप्रेशन में था और ये हत्या क्यों की। जनपद हमीरपुर थाना क्षेत्र के सुमेरपुर में नाबालिग लड़की से गन पॉइंट पर बलात्कार की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग के पड़ोस में अपने ननिहाल में आए अखिलेश ने घर में अकेली पाकर नाबालिग से गन पॉइंट पर बलात्कार किया। नाबालिग लड़की ने इस घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कर अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम में एक महिला टोलकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। महिला टोलकर्मी को टोल लेने के दौरान एक व्यक्ति ने खिड़की से हाथ घुसाकर महिला के चेहरे पर मारा है। ये मामला खिड़की दौला टोल का है। दिल्ली के BJP अध्यक्ष मनोज तिवारी को जान से मारने की धमकी मिली है। मोबाइल पर मैसेज के जरिए ये धमकी मनोज तिवारी को मिली है। मनोज तिवारी ने इसकी शिकायत भी पुलिस में कर दी है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।